चार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। स्टेज पर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के ठुमके और स्टेज के नीचे बंदूक की ठाए ठाए। ये नजारा था रोहतास में, जब सपना का डांस देखने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। मौका था पूर्व विधायक सुनील पांडे की शादी की सालगिरह का। फिलहाल हर्ष फायरिंग और सपना के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वायरल वीडियो के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ठुमके का ये वीडियो बिहार के रोहतास से आया है, जहां बुधवार को आधी रात और बारिश के बीच हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ठुमके लगाती रही और स्टेज के नीचे गोलियां चलती रही। सपना अपने सबसे हिट गाने पल पल याद तेरी तड़पावे रे पर डांस कर रही थी। कार्यक्रम का आयोजन रोहतास में बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के गाँव नावाडीह में हुआ था। पूर्व विधायक सुनील पांडे की शादी की सालगिरह थी, मैरिज एनिवर्सरी। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सपना चौधरी के साथ रितेश पांडे को भी बुलाया गया था, जिसका वीडियो खुद पूर्व विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। नमस्कार, मैं सपना चौधरी श्री सुनील पांडे जी के शादी की सालगिरह और उनके पोते के नामकरण समारोह में 11 मई को नावाडीह डेयरी बिहार में आ रही हूँ। आप सभी सादर आमंत्रित है। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, हमें रितेश पांडे और हमारा अलबनी 11 मई 2022 के नावाडीह डिहरी में हमने के गार्जियन श्री सुनील पांडे जी के शादी के सालगिरह में और वहां के पोता के नामकरण में आप सब सादर आमंत्रित बने जाए। सपना चौधरी का डांस दुनिया भर में मशहूर है, उनका डांस देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे में सुनील पांडे के कार्यक्रम में सपना चौधरी का डांस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सपना ने जैसे ही पल पल तेरी याद तड़पावे रे पर डांस करना शुरू किया, बारिश शुरू हो गई। सपना चौधरी ने रुकने की भी कोशिश की, लेकिन पब्लिक डिमांड ऐसी थी कि वो डांस करती रही। इसी बीच ठाई ठाई की आवाज सुनाई देने लगी। डांस के बीच दनादन फायरिंग होती रही, फायरिंग हो रही थी और लोग और भी ज्यादा उत्साहित होते दिख रहे थे। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो में फायरिंग करने वाला शख्स कौन है ये साफ नहीं पता चल रहा। हमने जैसा वीडियो में देखा है, ये फायरिंग एक शख्स के द्वारा नहीं की गई है, दो तीन लोगों के द्वारा की गई है। बस वीडियो के पीछे से फायरिंग की आवाज आपको सुनाई दे रही है। बता दें कि पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे भी एमएलसी रहे हैं, उनकी गिनती भी बाहुबलियों में होती है। बिहार में हर्ष फायरिंग पर वैसे तो रोक है, इसके बावजूद बाहुबली पूर्व विधायक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। करीब 3 घंटे तक डांस के दौरान हर्ष फायरिंग भी रुक रुक कर होती रही। रोहतास पुलिस इसके पहले हर्ष फायरिंग को लेकर कई लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाहुबली पूर्व विधायक के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की जांच पुलिस करती है या नहीं। आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।